नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम रूह अफ़ज़ा बनाएंगे, जिसके लिए ये मैंने चीनी ली है और ये मैंने लिया है इसमें केवड़ा वाटर और ये लिया मैंने रोज एसेंस और ये रेड फूड कलर और ये दो मैंने नींबू लिए हैं। अब हम इसके लिए मैंने 800 ग्राम चीनी ली है, ग्राम्स में, और कप में नापो तो ये 2 कटोरी है, ये है मेरे पास चीनी और 2 कटोरी मैंने ये नाप के रखी हुई है। अब हम इसको कढ़ाई रखते हैं गैस पे, गैस को ऑन करके ये 2 कटोरी चीनी ये है और 2 कटोरी हमारी अलग है। अब हम इसमें 1.5 कटोरी पानी डालेंगे, क्योंकि हमने 2 कटोरी चीनी हम अभी डालेंगे और 2 कटोरी चीनी हम बाद में डालेंगे। ये देखो, 1 और ये 1.5 कटोरी, बस। अब हम चीनी को गुलने देते हैं ऐसे। अब हम दूसरी साइड, जब तक ये चीनी गुलती है, ये देखो, ये जब तक चीनी गुलती है तब तक हम इसमें 1 कटोरी पानी हम और डालते हैं। अब हम इसको गैस पे गर्म करने के लिए रख देते हैं। अब हम ये जब तक सिरप गर्म होता है उधर पानी भी गर्म हो जाएगा और साथ में जो ये हमने नींबू लिया था, अब ये चीनी जब हमारी पूरी घुल जाएगी फिर ये हम नींबू का रस इसमें डाल देंगे। अगर सिट्रिक एसिड मिलता है, नींबू का फूल उसको बोलते हैं, वो भी डाल सकते हैं, पर वो ना हो तो नींबू भी डाल सकते हैं। ये देखो, ये चीनी घुलते हैं, फुल पे कर दिया मैंने गैस को, जब तक ये चीनी घुलती रहती है। ये देखो, ये चीनी घुल चुकी है हमारी और अब हम ये नींबू का रस इसमें डाल देंगे। ये देखो, इसको अब हम 5-10 मिनट के लिए और चलाएंगे, जब इसमें अच्छी तरह उबाल आने लग जाएगा। देखो, इसको उबाल आने लगे अच्छी तरह। क्योंकि ये नींबू का हम जो रस डालते हैं वो इसलिए डालते हैं कि ये चीनी की बिल्कुल चाशनी ना बने। ये उबाल आ गया इसमें। अब हम जो ये गर्म पानी हमने किया था, अब ये गर्म पानी इसमें उबाल आते होते इसमें ऐसे डालेंगे, ये उबाल आते रहना चाहिए। देखो, अब इसको 5 मिनट और चलाने के बाद जो हमने 2 कटोरी चीनी जो हमने अलग से रखी थी वो 2 कटोरी चीनी हम इसमें डाल देंगे। अब ये 2 कटोरी चीनी, 2 हमने पहले डाली थी चीनी और 2 अब हम ये अब डाल दिया। अब हम इसको गाढ़ा होने तक थोड़ा सा इसको अच्छी तरह उबाल आने तो गाढ़ा होने तक पकाएंगे इसको। ये देखो, ये अब इसको हम चेक कर लेते हैं इसका ये सिरप बन के तैयार हुआ है कि नहीं। हम इसको चेक कैसे करेंगे, हम थोड़ा सा ऐसे उंगली पे लेंगे। अब ये एक तार की तरफ समझ ले होने लग जाए, तार निकलने लग जाए तो समझ लो ये सिरप बन के तैयार हो गया, क्योंकि ठंडा हो गया ही और गाढ़ा हो जाता है। थोड़ा सा हम एक दो उबाले और आने देते हैं इसको, बस ये समझ लो, फिर हम ये ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखो, इसको अब चेक कर लेते हैं। ये देखो, एक तार की चाशनी है हमारी, देखो तार निकल रही है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको ठंडा करने के लिए हम बाउल में डाल के रख देते हैं। देखो, ये सिरप है, ये ठंडा हो चुका है थोड़ा। अब हम इसमें ये देखो, ये रेड फूड कलर है। अब हम इसको स्पून लेंगे, नॉर्मल ये रोज रोज कलर होता है। ये हमने फूड कलर
इसमें डाल दिया है। ये देखो कलर, देखो बाजार जैसा कलर लग रहा है ना, बिल्कुल देखो जैसे बाजार से रोज का कलर होता है। देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ये रोज एसेंस डालेंगे। अगर रोज वाटर डालोगे तो वो आपको एक चम्मच भर के डालना है, और अगर जब हम रोज एसेंस डालेंगे तो वो हमने आधी चम्मच डालना है। इससे बड़ी अच्छी वही बाजार वाले से जब वो अफजा मिलता है ना, वैसी ही खुशबू आएगी। हमने इसमें डाल दिया घर के साथ। अब ये और ये है हमारा केवड़ा वाटर, ये हम सिर्फ दो चार ड्रॉप डालेंगे, अगर ज़्यादा डालेंगे तो कड़वा हो जाएगा। बस ये देखो ये बिल्कुल आ रहा है ना वही वाला कलर जैसे बाजार से वो अंदर लेके आते हैं। ठंडा जैसे जैसे ठंडा होएगा वैसे थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। ये देखो ये वीडियो हमारी, ये रोज़ा बनके हमारा तैयार हो गया। अगर जो आपको ये वीडियो हमारी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।